सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत भले ही $100 प्रति बैरल के करीब हो, लेकिन इंडियन मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश में वाहन ईंधन पेट्रोल डीजल की प्रतिदिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। ऐसा लग रहा है कि तेल कंपनियां धीरे धीरे रेट बढ़ाकर महंगाई पर आम आदमी को जोर का झटका दे रही हैं। दो हफ्ते में 13 बार पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल आ चुका है। 22 मार्च से जो बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 15 दिन में सिर्फ 2 दिन 24 मार्च और 1 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं होने से कीमतें स्थिर रहीं। धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ दो हफ्ते में अब तक दिल्ली में पेट्रोल ₹9.20 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। भारतीय तेल कंपनियों ने 5 अप्रैल को फिर पेट्रोल और डीजल दोनों ही वाहन ईंधनों के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके साथ अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹104.61 प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत ₹95.87 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई में अब पेट्रोल ₹119.67 प्रति लीटर और डीजल ₹103.92 प्रति लीटर हो चला है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीजल के दाम शतक पार कर गए हैं। डीजल की कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब डीजल ₹100.34 प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल अब ₹117.27 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। तेल कंपनियों ने 15 दिनों के अंदर 13 बार पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी की है। नई वृद्धि के साथ अब तक पेट्रोल डीजल की कीमत में ₹9.20 प्रति लीटर का इजाफा किया जा चुका है। बता दें कि स्थानीय करों के आधार पर राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।